सर ये बाहर कंट्री में हुआ था, बाहर बाहर देश से लोग आए थे, मेरे को ही बुलाया था, पर मैंने अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, झंडा लहराया, ये रिकॉर्ड बनाया था अपने। क्या रिकॉर्ड क्या था? ये बीन बजाने का था सर, 10 घंटा, 10 आवर्स लगातार। वैसे मैंने फिल्म भी बनाया आमिर खान के साथ, ये दिल्ली में जो खेल हुआ था 2010 में, उसमें भी मैंने अपना। कब से आप बीन बजा रहे हैं, कैसा ये आपको पहले परिवार वाले थे जो बजाते थे? सर कम से कम सर मैं 12-13-14 साल का था जब से इस लाइन में लग गया था, फिर बीन सीखी, उसके बाद में अपने पहले से हम लोग सांप भी रखते थे सर, अब सांपों पे गवर्नमेंट ने खानदानी सफेरे हैं, खानदानी सफेरे हम लोग, अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, सांप रख नहीं सकते असली सांप, अब ये नकली सांप है, तो ये तो लोगों को पता पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान में भी सफेरा है अभी। अब ये दिन पर दिन ये कला जो सर दबती जा रही है, देखो तो लाखों मुर्गा बकरा गाय भैंस हिंदुस्तान में कट रही है, उसके गवर्नमेंट लाइसेंस बना दिए थे बेचो, लेकिन सफेरे को भी एक सांप का लाइसेंस दिया जाए कि हमारे हिंदुस्तान में ये कला जिंदी रहनी चाहिए। तो सफेरों के पास एक कला थी सांप पकड़ने की, बीन बजाने की, लेकिन अब प्रतिबंध लग गया है, तो कैसे गुजारा चल रहा है? बस अब तो सर ऐसे ही है, जैसे कई प्रोग्रामों में या शादियों में जाते हैं अपने बीन के, तो असली जो हमारा काम था बंद हो गया, तो बंद हो गया सर, उसी से लोग कहते थे कि सफेरा, जब सफेरा कोई सांप को मारता थोड़ी था, क्योंकि अब नागपंचमी है, अब जन्माष्टमी आएगी, शिवरात्रि आएगी, लोग ढूंढेंगे सांप वाले को कि सांप से दूध पिलाना है, दर्शन करने हैं। सफेरा टाइम से छोड़ता भी उनको वाले? सफेरा तो होली पे दिवाली पे रक्षाबंधन पे, अब तो महीना दो महीना रख के जंगल में इसको याद कर लेते हैं। तो जो जाती है सफेरा जाती है, अब धीरे धीरे ये लोग फिर हट रहे हैं इस चीज़ से? नहीं सर हटका रहा हूँ मैं तो, मैं सरकार ने हटा दिया, मैं तो सर आवाज़ बहुत दूर तक पहुँची, मैं मोदी तक भी मैंने आवाज़ पहुँचा रखी है कि हमारे हिंदुस्तान में आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या जानेंगे सफेरा क्या चीज़ है। देखिए अब ये पिंजौर गार्डन है, बार बार से लोग आते हैं देखने के लिए, कोई पिंजौर गार्डन है, जब इसमें कुछ काम नहीं रहेगा तो लोग कैसे आएंगे सर देखने के लिए? तो मुझे को दिल्ली से बुलाया हरियाणा पूजू वालों ने, कभी रोहता दिया आप आओ सर। वैसे मैं सूरजकुंड जो मेला लगा हुआ है मैं हर साल जाता हूँ, उस मेले में मेरे को गवर्नमेंट बुलाती है। तो 10 घंटे बीन बजाने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, हाँ सर, ये कब कौन से साल में कहाँ कौन से देश में बनाया था? ये सर ये ताइवान में हुआ था, ताइवान में। अच्छा, हम तो अंगूठा छाप आदमी हैं, हमें बुलाया ले गए चले गए, अपना धुन बजाया, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उस बाद बंदे ने बेचारे हमारे हवाई जहाज में बैठाया, देश विदेश तो घूम लिए सर। तो अब अपने बच्चों को आप ये बनाओगे सफेरा, या आपका मन नहीं करता अभी ये काम को लेकर? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में ये कला थोड़ी जिंदी रहनी चाहिए, आने वाली जो पीढ़ी भी तो जाने की सफेरा है क्या चाहिए। वैसे सर मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ लिखा रहा हूँ, 2 बेटी हैं 2 बेटे सफेरा नहीं बनाया। नहीं सफेरे की मैं कोशिश बेटे को है कि भाई तू ये कला सीख, पढ़ भी लिख भी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये कला पता नहीं कौन सा देश से कैसा आदमी जाए मुकाबला करने के लिए। देखो साहब जिस टाइम ये हुआ था वहाँ फ्रांस ताइवान हांगकॉन्ग बैंकॉक जापान रूस इंग्लैंड मेक्सिको इतने देशों के लोग थे, वहाँ पर ये बीन बजाई थी मैंने, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था, तो लेकिन साहब बुड्ढे का ना तो प्रेशन बंधी अभी तक। मैंने फिल्म भी बनाई आमिर खान के साथ, तुम मेरे हो जू चावला आमिर खान के साथ।